स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर, डी 28 अक्टूबर। आंसर सी 29 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, देश भर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने 29 अक्टूबर को लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए 2016 में आयुर्वेद दिवस की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? ए दीप्ति शर्मा, बी स्मृति मंधाना, सी हरमनप्रीत कौर, डी राधा यादव। आंसर बी स्मृति मंधाना। एक्सप्लेनेशन, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जड़ा, इसके साथ ही वह भारत की ओर से सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने मिताली राज के साथ वनडे शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड जीता? ए अलेक्सिया पुटेलिस, बी एडा हेगेरबर्ग, सी लूसी ब्रॉन्स, डी आइटाना बोनमाटी। आंसर डी आइटाना बोनमाटी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में बैलन डी ओर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जहां मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री ने पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में आइटाना बोनमाटी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता। अगला प्रश्न, आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? ए 324.01 मीट्रिक टन, बी 510.46 मीट्रिक टन, सी 854.73 मीट्रिक टन, डी 1000 मीट्रिक टन। आंसर सी 854.73 मीट्रिक टन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन है। इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510.46 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष सोने का भंडार विदेश में रखा गया है, जिसमें से 324.01 मीट्रिक टन को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS में सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी बैंकॉक, डी टोक्यो। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, एशियाई एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 5-6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का थीम एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी।